राजधानी शिमला का रिज मैदान सैलानियों की पसंदीदा जगह में से एक है। रिज की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ म्यूजिकल फाउंटेन बनाया जा रहा है। म्यूजिकल फाउंटेन नए साल पर शुरू हो जाएगा। फाउंटेन का काम पूरा हो गया है और इसका ट्रायल करने के बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर म्यूजिकल फाउंटेन का कार्य स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है। काम करने का जिम्मा शिमला जल प्रबंधन निगम को सौंपा गया है। इसमें संगीतमयी फवारे होंगे जो कि 24 घंटे चलते रहेंगे। ये पार्क के भीतर बनेंगे। इसके अलावा इंद्रधनुष के रंगों जैसी लाइटें यहाँ पर लगेंगी जो रिज की सुंदरता को चार चांद लगाएंगी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फवारा लगाया जा रहा है। जल निगम के एसडीओ महबूब शेख ने कहा कि फाउंटेन का काम पूरा कर लिया गया है और ट्रायल करने के बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, फाउंटेन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके ट्रायल आज रात तक हम कर लेंगे और हमारी कोशिश है इसको न्यू ईयर पे चालू करने की। 85 लाख की लागत से एक ये और एक मरीना के पास है, ये दोनों 85 लाख से होने हैं। खासियत म्यूजिकल फाउंटेन रहेगा, इसमें लाइटनिंग रहेगी, म्यूजिक रहेगा जो रात में एक अपना सुंदर इफेक्ट देगा। ये यूनिक सी चीज़ होगी शिमला में। 99% न्यू ईयर से पहले हो जाएगा। इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आज रात को हम ट्रायल हमारा सक्सेसफुल रहा तो कल इसको चालू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।